हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हिमाचल वायर। आज एक बुक रिव्यू करेंगे, भारत के एक ऐसे बुजुर्ग को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने एक बहुत लंबा जीवन काल जिया। सिर्फ एक बहुत लंबा जीवन काल जिया इसलिए श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही है, श्रद्धांजलि इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो जीवन के साल उन्होंने जिए वो जीते हर क्षेत्र में, जहां पर भी कदम रखा। मैं बात कर रही हूँ दादा भाई नौरोजी की। दमदार शख्सियत, 3 बार नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इनके बारे में आपको और थोड़ा बताने से पहले इस किताब के बारे में बताऊंगी। किताब इनके लिखे पत्रों को जोड़कर बनाई गई है। शुरुआत में आप इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, बाद में इनके बारे में बताने के बाद इनकी जिंदगी में जो लोग इम्पोर्टेंट रहे उनके बारे में आपको 1-2 पेजेस में बताया गया है। इनकी और उनकी पत्र व्यवहार से क्या बातचीत हुई और किस तरह की सोच थी इनकी भी, और जो शख्स इनकी जिंदगी में जरूरी थे उनकी भी। तो ऐसे 14 लोगों के बारे में और उनके और दादा भाई नौरोजी के बीच में पत्र व्यवहार जो हुआ, उन सारे पत्रों के, उन लेटर्स की स्पेसिमेन कॉपीज इस किताब में आपको मिल जाएगी, जो बहुत जरूरी है किसी का व्यू पॉइंट जानने के बारे में। देखिए, इससे ज्यादा किसी किताब से हम क्या मांगेंगे कि एक शख्स जिसने 100 साल पहले ऐसा काम किया है जिसका आज मेरी और आपकी जिंदगी में फर्क नजर आता है, हमारी और आपकी जिंदगी बेहतर बन गई है, उस शख्स के बारे में हम जाने। और जाने कहां से? उसी के लिखे पत्रों से। What more can we ask for? अगर आप मेरे पहले बुक रिव्यू सुनते हैं तो आप जानते हैं कि एक एक शब्द को पढ़ती हूं मैं। किताब में कहीं कोई फ्लॉ नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये इतनी वेल रिसर्च्ड बुक है कि एक जगह पे आपको थोड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की स्पेलिंग जो है वो अलग लिखी है। गलती है मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि नाम की जो स्पेलिंग होती है वो अपने हिसाब से लिख दी जाती है, पर इस किताब में गलती इसलिए लगती है क्योंकि पूरी किताब में एक स्पेलिंग है। SN मेहरोत्रा और दिनयाल पटेल ने इसे एडिट किया है, तो इसलिए कहूंगी कि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिमाग ऐसे होते हैं उनके ऊपर आप शक नहीं करते। किताब बहुत अच्छी कंपाइल की गई है, इसमें आपको उस वक्त के लिखे स्पेलिंग्स वो थोड़े अलग थे। जिस तरह लैंग्वेज फॉर्म होती रहती है, तो ये हम 100 साल से ज्यादा पहले की बात कर रहे हैं। जिन शब्दों को आज हम जानते हैं बहुत कॉमन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पहले वो फॉर्म हो रहे थे, तो उनकी स्पेलिंग्स अलग तरीके से लिखी है। जैसे मैं आपको बता, इसमें खासकर से जो जगह के नाम है उनकी स्पेलिंग्स जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, 100 साल से पहले की जो बात हो रही है, उस वक्त जब दादा भाई नौरोजी पत्रों में लिखा करते थे तो उन जगहों के नाम की स्पेलिंग्स बहुत अलग है। जैसे बॉम्बे में वर्सोवा की बात करें तो उन्होंने लिखा है VESAVA और VERSOWA। जिस तरह स्पेलिंग्स फॉर्म हो रही हो, शब्द को बनाया जा रहा हो, बहुत सारी एब्रीविएशन जो आप इन लेटर्स में पढ़ेंगे उनका भी विस्तार करके एक लिस्ट इस किताब में दे दी गई है, तो आप आराम से रेफर कर करके उन चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं। हालांकि उनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, 100 साल पहले के कागज जो अब छूते ही शायद टूटते होंगे या उनकी स्याही फीकी पड़ गई होगी, उन्हें समझने की और उनको संभाल के रखने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। दादा भाई नौरोजी वो इंसान थे जिनके लिए खुद आपके और मेरे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने कहा था कहें या राधा महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, ये कहा था कि दादा भाई नौरोजी फादर ऑफ द नेशन माने जाएं, इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ाने वाला इंसान उन्हें माना जाए। अपने जीवन काल में दादा भाई नौरोजी होम रूल, इंडिया में अपनी खुद की सरकार, इसका नारा बुलंद करते रहे। ब्रिटिश सरकार के नाक के नीचे बैठकर उन्हीं की पार्लियामेंट में बार बार ये बोलते रहे कि भारतीय हर तरह से काबिल है अपने देश को संभालने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस को होना बहुत जरूरी है। 1855 से 1917 ये सफर रहा, इतना जीवन काल था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी भी गुजरात के पास के उसी गांव से थे जहां से रतन टाटा का परिवार है, नवसारी जी। ये भी एक पारसी थे, पंडित परिवार के लड़के थे, मुमकिन था कि पिता की तरह पुरोहित ही बनते, लेकिन इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, ये केवल 4 साल के थे। जीवन की सारी दिशा बदल गई। इनकी माता ने इन्हें एक स्कूल में डाला जिसे
बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी चलाया करती थी। यहाँ पे दादा भाई की एजुकेशन, इनकी पढ़ाई मुफ्त थी। दादा भाई बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। स्कॉलरशिप के साथ बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ली। वहां पे इन्होंने केमिस्ट्री और नेचुरल फिलोसफी पढ़ी। एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे जो चाहते थे कि दादा भाई जैसा होशियार स्टूडेंट लंदन जाके बार की पढ़ाई करे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो दादा भाई को लंदन भेजने में सफल नहीं हो पाए। दादा भाई नाराज नहीं हुए और बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में ही एज प्रोफेसर काम करने लगे। 28 से 29 साल में 1854 में फुल प्रोफेसर की डेजिग्नेशन इन्होंने पा ली थी। 1855 में जब अचानक दादा भाई ने ये डिक्लेयर किया कि वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, तो एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था, दादा भाई व्हाट अ फॉल। लेकिन उसे क्या पता था वो लंदन में क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो वो एक कामा फैमिली के बिजनेस को सेट करने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन उनका मेन मकसद था इंडियन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को, इंडियंस को वहां पे गाइड करना। रुस्तम जी हिरजी भाई वाडिया इंडियन सिविल सर्विसेज को अटेम्प्ट करने के लिए भारत से गए पहले इंडियन स्टूडेंट। एक कारण की वजह से वो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पर ये थे पहले स्टूडेंट जो इंडिया से लंदन गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के लिए। उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स लंदन में अटेम्प्ट किए जाते थे। अचानक से रूल्स बदल गए थे और एज लिमिट कम कर दी गई थी, इसलिए रुस्तम जी हिरजी भाई वाडिया अटेम्प्ट नहीं कर पाए इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को। दादा भाई नारोजी ने बहुत कोशिश करी कि वो इस एग्जाम को ले सकें। एक ऐसा काम जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा वो था ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया में हो रही वेल्थ ड्रेन को सबके सामने लाना। वेल्थ ड्रेन की थ्योरी पहले भी आ चुकी थी, कुछ लोग इसके बारे में बात कर चुके थे, लेकिन इसको बार बार डंके की चोट पर ब्रिटेन पार्लियामेंट में बोलना, इस पे पेपर्स लिखना, रिसर्च करना और ये कबूल करवाना कि जो भारत में हो रहा है वो ठीक नहीं है। उस वक्त ब्रिटेन में रह रहे लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रिटेन के अंडर इंडिया बहुत अच्छे से लोगों की जिंदगी वहां पे चल रही है, क्योंकि बहुत सारे राजा, बहुत सारे रजवाड़े, प्रिंसेस हर साल लंदन जाया करते थे अपने लाव लश्कर के साथ में। वही इंडिया की पिक्चर देखते थे। जो इंडिया की एक पिक्चर जाती थी ब्रिटेन में, ये वो पिक्चर थी जो इंडिया के कुछ रजवाड़े हर साल ब्रिटेन जाकर दिखाया करते थे। वो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दादा भाई नारोजी ने रिसर्च पेपर्स लिखे, उसमें उन्होंने ये बताया, ये मैं आपको 1860 की बात बता रही हूँ, उस वक्त दादा भाई नारोजी ने ये कहा था कि भारत के 1.6 मिलियन पाउंड तो सीधे अब तक ब्रिटेन जा चुके हैं। दूसरी बार दादा भाई नारोजी ने ये कही कि इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, जो कि ब्रिटिशर्स हैं, सैलरी दी जाती है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे वो ब्रिटेन भेज देते हैं। तो पैसे तो इंडियन टैक्स पेयर्स के हैं, सैलरी सो कॉल्ड इंडियन ऑफिसर्स को ही जा रही है जो ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन वो पैसे दोबारा इकोनॉमी में नहीं आ रहे, वो ब्रिटेन जा रहे हैं। यहाँ पे भी इंडिया का बहुत बड़ा लॉस है, इसलिए इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस का होना बहुत जरूरी है। और तभी उन्होंने कहा था कि इंडियंस हर तरह से काबिल हैं अपने देश को चलाने के लिए। दादा भाई नारोजी का ये भी मानना था कि चलो एक बार ये भी मान लेते हैं कि इंडिया में अमीर गरीब को दबाएगा, चीजें बैलेंस नहीं होंगी, पर इसमें भी जो भारत का पैसा है वो भारत में तो रहेगा, कोई और हम पर शासन करके ये कहकर कि तुम्हें अपने देश को चलाना नहीं आता, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे देश को चलाएं, उस कारण हमारा सारा पैसा ले जाए, ये नहीं चलेगा। दादा भाई नारोजी के मुताबिक 33 मिलियन पाउंड हर साल का ब्रिटेन जा रहा था। दादा भाई नारोजी ने बिजनेस करने की भी कोशिश करी, एक बार बिजनेस अपना सेटअप भी किया, लेकिन वो बिजनेस कुछ सालों बाद ही डूब गया। बिजनेस कामयाब नहीं होने के दो रीजंस हो सकते हैं, पहला कि दादा भाई नारोजी ज्यादा वक्त पॉलिटिक्स में दे रहे थे, और दूसरा क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड थे ही नहीं। दादा भाई नारोजी का ये मानना था कि उन्हें इंडियन सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है पढ़ा के, सक्षम बना के, क्योंकि इतना कुछ दिया है इसलिए ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इस सोसाइटी को वो दुगना और बहुत बेहतर वापस दे। तो ये कहानी थी दादा भाई नारोजी की। दादा भाई नारोजी जो 3 बार इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, स्वराज के बहुत बड़े वकील थे और स्वराज की शुरुआत ही मैं कहूंगी कि उन्हीं से हुई थी। किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रिंटेड है, 1495 की है, थोड़ी महंगी है पर इसमें रिसर्च बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना कितने पुराने लेटर्स इसमें प्रिंट किए गए हैं, बनती है आपकी लाइब्रेरी में हो। और चलिए नहीं भी खरीदनी हो तो काफी कुछ मैंने आपको दादा भाई नारोजी के बारे में बताया। ऐसे लोगों की हिस्ट्री जानना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। ज्यादा पॉलिटिकल बुक्स ही रिव्यू होती हैं पर बाकी भी कर लेते हैं। कोशिश करूंगी कि अगली बुक पॉलिटिकल ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।